कोरोना वायरस फिर फैल रहा है, पूरे देश भर में फैल रहा है। आपको खांसी हुई, जुकाम लगा, गला खराब है, सेंस ऑफ स्मेल चली गई, बुखार है, बदन में दर्द है, आपने टेस्ट कराया और RT-PCR में आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब आपने अपना इलाज करना है और अपना ध्यान रखना है और अपने घर वालों को बचा के रखना है। आपको अपने आप को बाकी फैमिली मेम्बर से आइसोलेट करना है, अपने बर्तन, कपड़े, टॉवल, शीट्स सब कुछ अलग करने हैं, कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी। जहाँ तक हो सके डिस्पोजेबल्स यूज़ करें और उनको एक प्लास्टिक बैग में डाल के उनको अलग से केयरफुली डिस्पोज करें। हैंड हाइजीन मत भूलें। कोई भी कॉमन सरफेस अगर आप टच करें तो उसको टच करने से पहले अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोएं और हैंड सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें। जहाँ तक हो सके फेस मास्क पहने। घर में अगर बाकी मेंबर्स रहते हैं तो फेस मास्क अपने कमरे में भी पहनना ठीक रहेगा, ताकि आपकी इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड ना करे। आपको हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खाना है, अपने आप को हाइड्रेट करके रखना है। अगर आपके घर में पेट्स हैं आपको उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, डॉग्स वगैरह सेफ रहते हैं, उनको आप इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं करोगे। आपको कमरे को अच्छी तरह से वेंटिलेट करना है, खिड़की दरवाजे खोल के रखना है ताकि खुली हवा बाहर से आए और अच्छी तरह से कमरा सेफ और हेल्दी रहे। आपको 14 दिन तक आइसोलेट करके रखना है अपने आप को, क्योंकि 14 दिन के बाद आप एसिम्प्टोमेटिक हो जाओगे, 14 दिन के बाद आप डिजीज़ ट्रांसमिट करना बंद कर दोगे। RT-PCR COVID-19 पॉजिटिव टेस्ट के बाद आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ऑनलाइन। ई कंसल्ट से ही आप उनको कंसल्ट करें, क्योंकि इस हालात में आपका बाहर जाना आपके लिए भी खतरे वाला है और दूसरों के लिए भी खतरे वाला है। इस हालात में डॉक्टर नॉर्मली एक सिंपल एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एंटीबायोटिक COVID-19 के लिए नहीं, COVID-19 एक वायरल डिजीज़ है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। ये एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं ताकि आपको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको खांसी है, खांसी जुकाम है, तो आप सिंपल एंटी कॉफ मेडिकेशन ले सकते हैं। एंटी कॉफ सिरप से आपकी खांसी कंट्रोल में रहती है और आप अच्छा फील करते हैं। रात को स्टीम इन्हेलेशन लेने से फ़ायदा होता है, क्योंकि स्टीम इन्हेलेशन से नेजल पैसेज, थ्रोट और लंग्स क्लियर होते हैं। मेडिकेशन आप फिजिशियन की एडवाइस पर ही लें और कम से कम दिन में एक बार अपने फिजिशियन से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें ऑनलाइन ई कंसल्ट के ज़रिए। कुछ चीज़ें आपको नोट करनी हैं। आपको हर रोज़ अपना SpO2 मॉनिटर करना है पल्स ऑक्सीमीटर के साथ, सुबह और शाम। ये 94% से ज़्यादा होना चाहिए, वो आपके लिए सेफ है। आपको अपनी रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करनी है, वो 24 से कम होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट हम छाती जब मूव करती है सांस लेते समय उसको हम देखते हैं, मेजर करते हैं, और 60 सेकेंड यानी कि एक मिनट में कितनी बार वो मूव की, वो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है। 24 से कम होना चाहिए। खतरे की घंटी तब बजती है जब आपका SpO2 94 से कम हो। अगर आपकी रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा हो, अगर आपको मेंटल कन्फ्यूजन हो, अगर आपको हाई फीवर हो जो कम नहीं हो रहा, अगर आपको अनरेमिटिंग कॉफ विद ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, अगर आपको डिहाइड्रेशन है वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से, तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और एडमिशन सीक करनी चाहिए। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practel.